दोस्तों आज की वीडियो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 विधेयक कैंडिडेट्स के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके जो फाइल्स वगैरह हैं वो एसएससी के पास पेंडिंग है। इसके रिगार्डिंग हमने एक ट्विटर कैंपेन किया था, जो कि हमारा सेकंड ट्विटर कैंपेन था। फर्स्ट हम ऑलरेडी पहले कर चुके थे। उस ट्विटर कैंपेन के बाद अपडेट आई थी कि आपके जो फाइल्स वगैरह है उसका प्रोसेस एसएससी तैयार कर रही है आगे हैंड ओवर करने का। अब की अगर मैं लेटेस्ट अपडेट की बात करता हूं तो अब की अपडेट ये है कि आपके जो फाइल्स वगैरह हैं, आपके जो डॉस्टर वगैरह हैं, वो सारे हैंडओवर आगे कर दिए गए हैं जांच एजेंसी को। अब जो जांच एजेंसी है उनका काम यहां पर स्टार्ट हो जाता है। अब जांच एजेंसी क्या करेगी? जांच एजेंसी आपकी कैटेगरी वाइज जांच करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपके बायोमेट्रिक्स की, आपकी हैंडराइटिंग की, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है उसकी, उन सब की जांच अब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज आपकी जो ये जांच एजेंसी है वो डिवाइड होकर करेंगी। और जब आपकी ये जांच एजेंसी पूरी हो जाएगी उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि आपको क्लीन चिट दी जाए या नहीं दी जाए। तो देखिए अभी जो सवाल निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि आपका इस जांच प्रक्रिया के अंदर कितना टाइम लगेगा। सो फिलहाल के लिए जो अपडेट मिल रही है उसके अकॉर्डिंग दिसंबर जनवरी आपकी डेट बताई गई है कि आपका जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसको जो है आगे रन करने में, आगे उनको फर्दर उनको डिवाइड करने में कि किसके बायोमेट्रिक है, किसके डोमिसाइल है, किसके डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर किसी की हैंडराइटिंग करनी है, किसी पे क्रिमिनल जांच करनी है, उन सब की टाइम में उस सब में आपका तकरीबन 2-3 महीने या 4 महीने का टाइम लगेगा। सो जो टाइम बताया जा रहा है वो दिसंबर जनवरी यहां पर बताया जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आपका जो प्रोसेस फास्ट हो, इसके रिगार्डिंग हम एक और ट्विटर कैंपेन यहां पर करने वाले हैं। परसों हम ट्विटर कैंपेन करेंगे जिसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके पास शेयर कर दी जाएंगी एक वीडियो बना के। सो हम ऐसे ही बीच बीच में ट्विटर कैंपेन करते रहेंगे ताकि आपका जो प्रोसेस है वो यहां पर फास्ट और जल्दी से जल्दी आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया यहां पर स्टार्ट हो जाए। सो यही बस एक अपडेट थी आपके लिए। और साथ में कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि सर आप एसएससी जीडी वालों के क्या ट्विटर कैंपेन करवा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। तो देखिए जो मेरा काम है मैं यहां पर कर रहा हूं, क्योंकि सभी के अपने अपने काम डिवाइड है। जो मुझे ठीक लगता है मेरी नजर में वो मुझे ठीक लगता है। सो अगर मुझे लगता है ट्विटर कैंपेन ठीक है सो हम ट्विटर कैंपेन यहां करेंगे, क्योंकि हमें इससे ना नुकसान, अगर लोग कहते हैं हमें फायदा नहीं है तो हमें नुकसान भी इस चीज का नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्वीट करने से हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है, शायद हमें इसका फायदा ही फायदा होगा। लेकिन जो लोग समझते हैं, जिनके ऊपर ये बीती है उनको ये बात पता होगी, जिनके ऊपर नहीं भी थी, जो आराम से नॉर्मल बैठे हैं, शायद वो इस बात को कभी समझ भी नहीं पाएंगे। सो फिलहाल के लिए तो यही अपडेट है, और जैसे कोई अपडेट मिलती है, अभी जांच प्रक्रिया जो बायोमेट्रिक्स वगैरह की स्टार्ट होने वाली है उससे रिगार्डिंग जो भी अपडेट मिलेगी वो मैं आपके पास डिलीवर कर दूंगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्विटर कैंपेन से रिगार्डिंग सारी अपडेट्स आपके पास आ जाएंगी। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।